फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानते हैं कि वोटर आईडी कैसे अप्लाई करते हैं इंडिया में। वोटर आईडी अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना एक आईडी प्रूफ चाहिए। अच्छा, चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या क्या चाहिए। साइट पे पहले चलते हैं वोटर आईडी अप्लाई करने के लिए। मैं अपना गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। ये वोटर आईडी अप्लाई करने के लिए आपका कोई भी ब्राउजर चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई सीएससी का जैसा कोई कंपलसरी है ब्राउजर। आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपना वोटर आईडी। तो सबसे पहले गूगल खोल लेते हैं। गूगल में eci.nic.in ये साइट है, ऑफिशियल साइट है वोटर आईडी अप्लाई करने के लिए। लेकिन ये एक्चुअली इलेक्शन की ऑफिशियल साइट है। यहाँ से आपको नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में जाना है। ये देखिए, राष्ट्र मतदाता सेवा पोर्टल, यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपकी वोटर आईडी अप्लाई की जा सकती है। यहाँ से आपकी वोटर आईडी अप्लाई की जा सकती है। फ्रेंड्स, तो देखिए, आप देख सकते हैं ये साइट खुल गई है। फ्रेंड्स, आज यहाँ का वेदर थोड़ा खराब है, तो इसीलिए नेट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आराम से आपको मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है वोटर आईडी। देखिए, आपको अप्लाई, यहाँ पे आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए खुल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइप करना है फॉर्म। तो ये आपका हो गया, और यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा कोई भी। ठीक है, जैसे मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ झारखंड मेरा स्टेट है। ठीक है, और आपका विधानसभा असेंबली आपका चूज कर लेना है। ठीक है, असेंबली आपको चूज कर लेना है यहाँ से कोई भी, इसमें जमशेदपुर से हूँ। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप नाम लिखेंगे वहां हिंदी में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पूरा नाम लिखना, अपना यहाँ नाम लिखना है, यहाँ आपका सरनेम लिखना है, यहाँ आपका सरनेम लिखना है, सरनेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर चूज करना है। अगर आप मेल है तो मेल चूज कीजिए, फीमेल है तो फीमेल, और अदर है तो अदर। ठीक है, तो मैं मेल चूज कर लेता हूँ। और आपको डेट ऑफ बर्थ देना है यहाँ पे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आप किसी व्यक्ति का बना रहे हैं या खुद का बना रहे हैं, आपको अगर पता नहीं है कि उनका आयु कितना है, एज कितना है उनका, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहां से भी अपना दे सकते हैं। यहां से अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पूरा एक्यूरेट पता है, तो आप यहां अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। ठीक है, यहां अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। फिर उसके बाद यहां जाइए, डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद ये देखिए जन्म स्थान, आपका स्टेट चूज कर लीजिए। यहाँ पे आप अपना, यहाँ अपना आप स्टेट चूज कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए।
विलेज बर्थ प्लेस, ठीक है, या फादर का नाम दे देना है या मदर का नाम देना है, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ फादर का नाम देना है आपको, अपना फादर या मदर का नाम देना है, उसके बाद उनका यहाँ सरनेम लिखना है, बाकी ये यहाँ हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगी ये, और आपका रिलेशन, उनके साथ आपका रिलेशन डालना है, ठीक है। मदर है तो मदर, फादर है तो फादर, या हस्बैंड है तो हस्बैंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको हाउस नंबर देना अपना, ठीक है, स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ अपना। विलेज, विलेज में अपना गांव दे सकते हैं, टाउन दे सकते हैं, पोस्ट ऑफिस अपना डाल देना यहाँ। यहाँ आपको डालना है अपना पिन कोड, यहाँ थाना, थाना, मंडल या तालुका आप डाल सकते हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ देना है। मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी जरूर देना है आपको, ठीक है। और ये अगर आपके मदर या फादर या हस्बैंड जिस जगह पे आप वोटर आईडी अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का वोटर आईडी उनके पास पहले से ही है तो ही इसे भरे, अन्यथा नहीं भरे इसे, क्योंकि आपके फादर का वोटर आईडी अगर दूसरे जगह का है और आप दूसरे जगह रहते हैं, आप दूसरे जगह का अप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज भरिएगा तो आपका मतलब क्या बोलेंगे, लोकेशन दोनों का चेंज हो जाएगा, तो फिर आपका वोटर आईडी बनने में प्रॉब्लम हो सकती है, फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसीलिए आप अपना अगर फादर का जहाँ का वोटर आईडी आप वहीं का वोटर आईडी अप्लाई कर रहे हैं तो अपना फादर का यहाँ डाल सकते हैं, फादर का डिटेल्स यहाँ दे दीजिएगा, यहाँ मदर है तो मदर का भी वहीं का वोटर आईडी है तो वो भी अप्लाई कर, उनका भी पूरा डिटेल यहाँ दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपना ये फोटोग्राफ यहाँ अपलोड कीजिएगा, ठीक है, अपने ये फोटोग्राफ अपलोड कीजिएगा। ये तो खैर मेरा पैन कार्ड का फोटो है, देखिए इस प्रकार फोटो अपलोड कर देना आपको, ठीक है। पहचान पत्र मतलब जैसे आप अपना आधार कार्ड हुआ, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, ऐसा आप कोई भी डॉक्यूमेंट पहचान आईडी प्रूफ का आप अप्लाई कर डाल सकते हैं। और एड्रेस प्रूफ में आपको दे देना है बिजली बिल, टेलीफोन बिल, ऐसा आपका, या राशन कार्ड हुआ या कुछ भी, राशन कार्ड तो एड्रेस प्रूफ में काम नहीं आती है, तो आप अपना एड्रेस के लिए आप अपना कोई भी एक एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका बिजली बिल या टेलीफोन बिल दे सकते हैं आप अपना। यहाँ पर आपको घोषणा करना है कि आप कितने साल से यहाँ रहने वाले हैं, तो आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ आप अपना देख सकते हैं आप कितने साल से रह रहे हैं, उतने साल के लिए आप यहाँ डाल दीजिए अपना, ठीक है, उतने साल से आप यहाँ रह रहे हैं वो डाल सकते हैं आप अपना। फिर आप यहाँ पे जहां से अप्लाई कर रहे हैं वहां का नाम और डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका वोटर आईडी पहले से ही कहीं अप्लाई किया हुआ है, आपका वोटर आईडी पहले से ही है और आप नाम कटवा के दूसरे जगह का वोटर आईडी बनवाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। उसके बाद स्टेट, फिर असेंबली चूज करना होगा आपको, स्टेट के बाद एड्रेस दे देना यहाँ पूरा, डेट वगैरह दे देना, आपका वोटर आईडी का नंबर दे देना आपको, ठीक है, और डेट चूज कर लेना है कब आपको वोटर आईडी इशू हुआ था, कल कब आपके नाम पे, कब आपको अलॉट हुआ था वोटर आईडी, और डेट दे देना आपको। उसके बाद ये चीज तो मैं बता दिया हूँ, जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं वहां का नाम दे दीजिए, या फिर जहां का आप बना रहे हैं वहीं का भी नाम दे सकते हैं, वहां का नाम दे दीजिएगा, और यहाँ अपना ईयर, मंथ और डेट चूज कर लीजिएगा। डेट चूज करने के बाद यहाँ सबमिट कर दीजिएगा, वो आपका वोटर आईडी फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो और आपको कुछ करना नहीं है, बस यही है वोटर आईडी फॉर्म अप्लाई करने के लिए, वोटर आईडी का फॉर्म है ये,
तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इससे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आगे से मैं और बेहतर आपको समझा सकूं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे प्लीज आपका फीडबैक दीजिए, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा वीडियो देखने के लिए, और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।